Yo, what's up guys, this is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine. आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आप लोगों से स्कारब्रो के बारे में. स्कारब्रो वो शहर जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी कनाडा में. मेरा फर्स्ट मतलब ओनली कॉलेज जो है वो स्कारब्रो में था. आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सेंटेनियल कॉलेज मॉर्निंग साइड कैंपस. तो जी हाँ, स्कारब्रो के अंदर बहुत सारी मेमोरीज रही हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं. तो स्कारब्रो की सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. बताऊंगा स्कारब्रो के अंदर मेरा रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एज ए स्टूडेंट वहाँ पे रहना कैसा है, और आफ्टर दैट ऑन वर्क परमिट वहाँ पे रहना जो मेरे दोस्त रह रहे हैं या मैं भी थोड़े टाइम के लिए रहा हूँ वो कैसा है, एज ए होल जगह कैसी है, सेफ कितनी है, बात करेंगे सबके बारे में. हाँ, तो वही टॉकिंग ऑफ स्कारब्रो के अंदर सबसे पहले आप बात करता हूँ कि स्पेशियस सिस्टम कितना अच्छा है. समझाता हूँ कैसे. ये रोड देख रहे हो, पता नहीं आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, बट ये जो रोड है, ये जो घर है ना, ये बड़े कंजस्टेड है. मतलब छोटे छोटे घर हैं, उसके अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं. मतलब मैं इस टाइम हूँ टोरंटो वेस्ट के अंदर, बट अगर यही मैं स्कारब्रो के अंदर चला जाऊँ ना, तो बड़े बड़े कमरे होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, घरों के बीच में अच्छे खासे डिफरेंस होते हैं, बैक यार्ड भी बहुत बड़े होते हैं, तो स्क्वेयर फीट बढ़ जाता है वहाँ पर. तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ज़्यादा मेरे को यार अच्छी लगती है, क्योंकि स्कारब्रो में आपको अच्छा खासा स्पेशियस घर मिलता है. कुछ शायद लगता होगा कि ये चीज़ यार इतनी मैटर नहीं करती, हमने रहना ही है फिर क्या हो गया, हमने तो काम पे रहना है, बट नहीं यार, ये सब चीज़ें मैटर करती होती है. ओवरऑल आपकी मेंटेलिटी को ये चीज़ इफेक्ट करती है. मैं स्कारब्रो को इसलिए मिस करता हूँ, मेरे को ना वो खुलापन यहाँ पे फील नहीं होता. यार दूसरी चीज़ पे हम लोग आ जाते हैं, वो है वर्क अपॉर्चुनिटीज़. जी हाँ, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में स्कारब्रो इज़ अ डिसेंट प्लेस. वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी. ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं वहाँ पे, पर हाँ ये बात ज़रूर है कि टोरंटो जितनी डाउनटाउन जितनी वेस्ट टोरंटो वेस्ट जितनी आपको पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि टोरंटो वेस्ट जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है एंड यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स भी हैं, तो सिक्योरिटी के लिए भी ज़्यादा, मतलब बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, स्काई स्क्रैपर्स जो भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑफिसेज भी यहाँ पे ज़्यादा है, कमर्शियल काम भी यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए वेस्ट आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से. मतलब ऐसा नहीं है कि स्कारब्रो में बिल्कुल जॉब्स ही नहीं है. हाँ जी हाँ, बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, बहुत कुछ है आसपास, नॉर्थ के पास में पड़ता है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल सकता है सिक्योरिटी का. बट जी हाँ, मोस्टली जो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो रेस्टोरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज देसियों के यहाँ, बाकी वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स, मेट्रो, ये सब कुछ हो सकता है. जितना हो सकता है ना, अगर आप स्कारब्रो के अंदर रहते हो ना, तो कैनेडी वार्डन या विक्टोरिया पार्क स्टेशन के पास घर लेना है. तीन स्टेशन स्कारब्रो के अंदर आते हैं, तो इनके पास घर लेना. जितना इन स्टेशन के पास घर लोगे, उतना आपके लिए कम्यूट ईजी होगा डाउनटाउन का, और आपको फिर जॉब जो है वो यंग के आसपास, मतलब मिड ऑफ द लाइन टू सबवे के आसपास मिल जाएगी, तो आपका ट्रैवल टाइम कम रहेगा. बट मैं मोस्टली जॉब करने के लिए डाउनटाउन ही जाता था, और मोस्ट ऑफ द लोग जो स्कारब्रो में रहते हैं वो जॉब करने के लिए डाउनटाउन ही जाते हैं. इट इज़ नॉट बैड, क्योंकि अगर आप टोरंटो वेस्ट के अंदर भी रहते हो ना, तो भी आपको जॉब करने के लिए थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ता है. मतलब 40 को मिनट करना पड़ता है, स्कारब्रो के अंदर 50-55 मिनट करना पड़ता है. तो हाँ ठीक है, वैसे भी पार्ट टाइम आपको 2 दिन ट्रैवल करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और फुल टाइम में आपको मतलब हर रोज़ ट्रैवल करना होता है, तो वो डिफरेंस तो है. जहाँ तक दोस्तों बात करूँ डाइवर्सिटी और क्राउड की, आपको अपना देसी क्राउड वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. इसके अलावा आपको जमैकन पीपल और आपको मतलब श्रीलंकन पीपल वहाँ पे बहुत ज़्यादा, श्रीलंकन डोमिनेट और बांग्लादेश डोमिनेट वहाँ पे जो है, मतलब एक पॉपुलेशन है श्रीलंका और बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे. तो या दिस कुड बी वन थिंग दैट यू वांट टू नो. जहाँ तक बात करूँ लेजर एक्टिविटीज़ की, थिंग्स टू डू के हिसाब से, तो स्कारब्रो इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्लेस यार, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो ना खुले खुले पार्क वगैरह बहुत है. मॉर्निंग साइड पार्क है वहाँ पे, ब्लफर्स पार्क है वहाँ पे, ये वो जगह है जहाँ पे जाके आप अपने फ्री टाइम के अंदर रिलैक्स कर सकते हो. मतलब एक ना लोकी काइंड ऑफ लाइफ, हालांकि टोरंटो में कुछ भी लोकी नहीं है, कुछ भी लेड बैक नहीं है, हम सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट मूवी मुझे यहाँ पे लगता है, बट फिर भी स्कारब्रो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे रह के मुझे लगा कि यार नहीं, यहाँ पे लोग थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा चिल, ज़्यादा रिलैक्स हैं, कि लोग थोड़ा लेट बैक रहते हैं, कि अपना उतना काम करो जितने में आपका पेट भरता है, दैट्स इट. किसी को भाग दौड़ नहीं इतनी ज़्यादा पड़ी हुई जितनी यहाँ पे लोगों को भाग दौड़ है टोरंटो वेस्ट में. यहाँ तो मतलब लोग बोलते हैं कि आज लास्ट दिन है, जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो. जहाँ तक बात करूँ ना फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, मतलब ऑब्वियसली स्टडी के बाद आप लोगों ने फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी है, उसके लिए आपने मूव होना है या कुछ भी होना है, तो यार मेरे जितने भी क्लासमेट थे ना, उसमें से 90% लोग मूव हो गए थे स्कारब्रो से, इंक्लूडिंग मी. यहाँ पे क्या है कि देखो, मैं फूड इंडस्ट्री के अंदर था,
और फूड इंडस्ट्री, बायोटेक इंडस्ट्री, लेबोरेटरी वगैरह ये सब जो है ये वेस्ट के अंदर इटोबिको वाली साइड थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए सबको, और ट्रैवल अगर आपने वहाँ से करना हो ना तो फिर वो यार गाड़ी से भी करना हो तो भी 40 मिनट का ट्रैवल है, और अगर आपने बस से ट्रैवल करना हो तो फिर तो मतलब 2 घंटे का ट्रैवल है जो कि मैं करता था। तो जी हाँ, मतलब ये जो चीज़ है उसके लिए मुझे मूव करना पड़ा, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अकाउंटेंसी वगैरह और आपके IT वगैरह इस सब की तो मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो सारी की सारी डाउनटाउन वगैरह के अंदर है। बाकी जो फूड इंडस्ट्री वगैरह है वो इधर यहाँ तो टोरंटो वेस्ट या फिर बिल्कुल टोरंटो के बाहर चले जाओ, माल्टन वगैरह है ना, गुएल्फ, ऐसी जगहों पे आपको ज़्यादा फूड फैक्ट्रीज वगैरह देखने को मिलती हैं। अच्छा, जहाँ तक बात करें ना ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह की, जो रेगुलर ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बट जी हाँ, इसके साथ साथ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स भी वहाँ पे हैं। जी हाँ, 3-4 मेरे को याद आते हैं, वैसे नाम नहीं लूँगा, पेड प्रमोशन वाली बात हो जाएगी, पर कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब स्कारब्रो के अंदर आप एंटर करोगे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, नहीं पता लगेगा मेरे को मैसेज कर देना, बता दूंगा, पर ऐसे वीडियो में बोलूंगा तो लोग बोलते हैं पैसे खाए हैं जबकि नहीं भी खाए। टिफिन सर्विस की बात करो दोस्तों, स्कारब्रो के अंदर स्टूडेंट्स के लिए टिफिन सर्विस आपको मिल जाती है, 3-4 टिफिन सर्विस वाले मेरे को पता है, 2 तो मैंने ट्राई भी किए हैं, तो एक डिसेंट ओके मिल जाती है, बहुत अच्छी नहीं मिलती फॉर श्योर, ठीक है, वहाँ पे ठीक ठाक मतलब आपको डिसेंट टिफिन सर्विस मिल जाएगी, और मैंने बहुत अच्छी टिफिन सर्विस तो कहीं भी नहीं सुनी इस अलावा ब्रैम्पटन के, ब्रैम्पटन के अंदर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी टिफिन सर्विस मिलती है। तो गाइस, दिस इज टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट, इफ यू लाइक इट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।